हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिंदी जी के ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में किन देशों से क्या क्या लिया गया, यानी भारतीय संविधान के स्रोत, यानी किसी भी देश से क्या लिया गया। देखिए फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी ये जरूर पूछा जाता है कि किस देश से क्या लिया गया। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको रटेंगे या वैसे याद करेंगे तो इसे भूल जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी को बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है जर्मनी, यानी जर्मनी। अब देखिए, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत, यानी जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है जर्मनी। अब जर्मनी में क्या रहा लास्ट में, मनी, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। तो देखिए ट्रिक, मनी। अब हमारे पास मान लीजिए मनी नहीं होगी तो कभी भी इमरजेंसी में क्या होगा, आपातकाल पड़ जाएगा ना हमको। यानी आपातकाल पड़ता ही कब है, जब मनी ना हो, यानी पैसा नहीं होगा तो हमें क्या होगा, आपातकाल पड़ जाएगा, यानी इमरजेंसी पड़ जाएगी। तो हम जिससे भी लेंगे या कैसे भी कुछ भी करेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि जर मनी, मनी, और हमारे पास मनी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आपातकाल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप इसको जर्मनी, यानी मनी से क्या, आपातकाल, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जो ली गई है वो ली गई है समवर्ती सूची। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इसको याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट में क्या दिया है, ट्रोलिया, यानी ट्रोलिया, ट्रोलिया आ रहा ना फ्रेंड्स। अब इससे क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे याद कैसे करेंगे, ट्रोलिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रोलिया में होता क्या है, ट्रोलियों पहिए होते हैं ना फ्रेंड्स, पहिए, और पहिए कितने होते हैं, दो। अब देखिए फ्रेंड्स, दो क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है क्या, दो। तो ऑस्ट्रेलिया, ट्रोलिया, ट्रोलिया से क्या आता है आपको, पहिया, के ट्रोली में क्या होते हैं, पहिए, और पहिए कितने होते हैं, दो, और दो क्या होता है, सम। तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे कि सम यानी समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रांस। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस से लिया गया है, वो लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रणाली, यानी फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रणाली। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको याद कैसे करेंगे, फ्रांस, फ्रांस से क्या याद आएगा आपको, फंस, फ्रांस, फंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कोई भी एग्जाम या कुछ भी देने के लिए आते हैं, मैक्सिमम क्या होता है कि 50% से ज़्यादा का मैथ्स क्या है, अच्छा नहीं होता, यानी गणित। तो वो क्या होते हैं, गणित वाले सब्जेक्ट में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। यानी मैथ्स में, यानी गणित में सवाल पूछ ऐसे जाते हैं, घुमा फिरा के क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। तो फ्रांस यानी फंस, और फंस कहाँ जाते हैं, गणित, ठीक है फ्रेंड्स, गणित में क्या जाते हैं, फंस जाते हैं। नेक्स्ट, आप तो फ्रेंड्स इसको आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि फ्रांस, फ्रांस यानी फंस, और फंस कहाँ जाते हैं हम एग्जाम में जाते हैं, तो गणित में। तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रणाली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आयरलैंड। अब देखिए, आयरलैंड से जो लिया गया है नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड। देखिए इसमें याद करने के लिए आपको आयरलैंड, आपको क्या याद रखना है, लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। और लैंड, देखिए फ्रेंड, लैंड बोलते हैं जमीन, यानी जमीन को तो लैंड बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नीति निदेशक, तो निदेशक में क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीत, नीत दिखाई दे रहा है, नीत। तो आप इसको याद रखना है, लैंड यानी हमको किसी को भी सोना होता है तो हम कहाँ सोते हैं, जमीन पे। अब देखिए मैक्सिमम तो जमीन पे सोते हैं, लेकिन अगर आप चार पाई बेड या किसी पे भी सोएंगे तो वो भी जमीन पे होता है, तो जमीन पे क्या लेते हैं हम, नींद, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आयरलैंड, लैंड यानी जमीन, और जमीन पे क्या लेते हैं हम, नींद। तो नीति निदेशक तत्व से आपको क्या आ जाएगा, नींद। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो लिया है वो लिया है संविधान संशोधन प्रणाली। देखिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन प्रणाली, तो इसको याद करने के लिए आप देखिए, संशोधन, संविधान संशोधन। अब देखिए फ्रेंड्स, जब अगर संविधान में संशोधन होता है किसी भी चीज़ में, तो क्या होता है, हेर फेर होता है ना, मतलब कुछ हटता है, कुछ नया जुड़ता है, तो क्या हो जाता है, हेर फेर हो जाता है, हेर फेर। तो फ्रेंड्स, आप देखिए फेर से आप याद कर लेंगे, अफ्रीका यानी अफ्रीका, हेर फेर यानी अफ्रीका। देखिए फ्रेंड्स, आपको हमको या आपको केवल याद करने का हिंट्स चाहिए, जिससे कि हम एग्जाम में उसको आसानी से टिक कर सके, यानी पकड़ सके उसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका, तो अफ्रीका यानी हेर फेर, और हेर फेर होता संशोधन में, तो संशोधन से दक्षिण अफ्रीका, आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है रूस। देखिए फ्रेंड्स, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अब रूस से क्या आपका, आपको क्या आएगा फ्रेंड्स, रूसी,
रूसी, और रूसी कहाँ होती है फ्रेंड, सिर में, यानी सिर में जब खुश्की हो जाती है तो सफ़ेद सफ़ेद से हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रूसी बोलते हैं। अब रूसी फ्रेंड्स तो देखिए हमें उसको हटाने के लिए, हमें मौलिक जो हमारा मूल कर्तव्य क्या होता है कि हम क्या करें रूसी हटाने के लिए, हमारा मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य क्या होता है, हम अपने सिर की बालों की अच्छे से सफाई करें। तो रूसी हटाने के लिए क्या होता है हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपनी जो है सिर की या बालों की करें अच्छे से सफाई, तो वो क्या होता है हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स आप इसको आसानी से याद कर लेंगे कि रूस मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि रोज आपको याद आएगा रूसी, और रूसी होती है हमारे सिर में। तो फ्रेंड्स हमारे अपने सिर की रूसी को खत्म करने के लिए क्या होता है मौलिक कर्तव्य, कि हम बालों को नियमित सफाई करें। तो फ्रेंड्स आप रूस आसानी से कर लेंगे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स अमेरिका से ले रहे हैं मौलिक अधिकार। अब देखिए फ्रेंड्स अमेरिका में आपको दिखाई दे रहा अमर, अमेरिका में आपको दिखाई दे रहा अमर। फ्रेंड्स अमर, अमर से देखिए आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि अमर अमेरिका यानी मौलिक अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकार कैसे फ्रेंड्स, अमर है, ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, कि हमारे जो भी मौलिक अधिकार हैं क्या है, अमर है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको बहुत आसानी से ये याद आ जाएगा मौलिक अधिकार। मान लीजिए अगर एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो आपको याद आ जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकार कैसे हैं, अमर, और अमर यानी अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत आसानी से आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक क्या है, कनाडा, तो नाडा में आपको ये लास्ट के जो नाडा है इसको आप क्या मानेंगे, नारा, यानी नाडा नारा, नाडा नारा। तो नारा देखिए फ्रेंड्स संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, तो कोई भी संघ, संघ या समूह कोई भी होता है अपना दल, तो उसका क्या होता है अपना एक नारा होता है, क्या होता है अपना एक नारा। तो कनाडा यानी नारा, और नारा किसका होता है, संघ या समूह का। तो आप इसको बहुत ज़्यादा आसानी से याद कर लेंगे कि नाडा, नाडा यानी नारा, और नारा किसका होता है, किसी भी समूह का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रिटेन। ब्रिटेन से ली गई देखिए फ्रेंड्स संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता। तो देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने की ट्रिक, ब्रिटेन है ना, तो ब्रिटेन में लास्ट में क्या रहा, टेन, टेन आ रहा। तो देखिए फ्रेंड्स टेन यानी ट्रेन, आप इसको क्या देखेंगे, टेन यानी ट्रेन। अब देखिए फ्रेंड्स ट्रेन से आप इसको कैसे याद करेंगे, ट्रेन, अब ट्रेन में सफ़र कौन करता है, नागरिक, नागरिक तो करते हैं चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे जो भी हो, क्या होते हो, नागरिक। यानी अगर भारत में, तो भारत के, जैसे भारत में करते हैं तो भारत के नागरिक तो होते हैं फ्रेंड्स, तो क्या लिया गया है, नागरिकता। तो आप इसको एक तो ये याद हो गया आसानी से, क्या ट्रेन में सफ़र कौन करता है, नागरिक, तो एक तो हो गई एकल नागरिकता। अब देखिए फ्रेंड्स जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन किसी कानून या निर्माण प्रक्रिया के तहत चलती है ना, कानून के तहत, कि इसमें भाई टिकट लेना जरूरी है, अगर टिकट आप नहीं लोगे तो जो भी आप पे फाइन पड़ेगा, तो वो क्या है, कानून है। ठीक है फ्रेंड्स कानून, तो कानून निर्माण प्रक्रिया ये भी किससे, ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन क्या है, कानून के अनुसार चलती है। तो ब्रिटेन ट्रेन में कौन चलता है, ट्रेन में नागरिक, और किस प्रकार चलते हैं वो, कानून के अनुसार। तो ये आप दो बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि कानून जो प्रक्रिया ली गई है वो भी ब्रिटेन से, और एकल नागरिकता वो भी ब्रिटेन से। और देखिए तीसरा है ये संसदीय शासन प्रणाली, तो आप इसको चाहे तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फ्रेंड्स कमेंट